आजमगढ़ जिले से है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम प्यारे यादव के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में गांव-गांव पांव-पांव जन जागरूक रैली निकाली गई। राम प्यारे यादव ने कहा कि हमारी पार्टी और हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो पाएगा। भाजपा सरकार जब से बनी हुई है पूरे देश को बर्बादी की तरफ लाकर खड़ा कर दी है। कभी बिजली बिल महंगी करके किसानों को परेशान कर रही है तो कभी खाद महंगी करके। इस वक्त महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार ने जो भी वादा किया था सबके सब झूठे साबित हुए। ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव के निर्देशानुसार हम किसानों के समर्थन में किसानों की समस्याओं से जन जन को जागृत करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। गांव गांव पांव पांव पैदल हर गांव में डोर टू डोर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियां जो हैं उनको समझाने के लिए निकले हैं और किसानों के समर्थन में। ये तो भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे है। ये प्रोपेगेंडा है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आंदोलन चल रहा हो तो सरकार के लोग समस्या का समाधान न करके उसको डिफीट देने के लिए, उसको निग्लेक्ट कराने के लिए उसके खिलाफ ये आतंकवादी हैं, फासिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, चाइनीज हैं, कनाडा से ये संबंधित हैं, ये इस तरह का आज तक कोई सरकार हमारे देश में जब तक हम लोग होश संभाले हैं। आप कब तक रहेगा? हमेशा किसानों के हर समस्याओं के साथ। हम किसान के लड़के हैं, किसान हैं हम लोग, सदैव किसान के साथ। कोई भी पार्टी किसान के साथ करेगी तब भी हम उनके। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।